जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आईबीएम आज हम देखने वाले हैं। आईबीएम का लोगो कैसे, मतलब बहुत बेसिक सिंपल तरीके से तैयार हुआ है, किस तरीके से हुआ चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे आईबीएम हो या कोई दूसरा भी, आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आपने क्या लेना सबसे पहले, तो दोस्तों आईबीएम का लोगो डिजाइन करना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएमसी में, और मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। दोस्तों यहां से हम चलते हैं, पहले टैक्स लेंगे। टैक्स लिया हमने, टैक्स पे क्लिक करा और यहां पर आईबीएम हमने टाइप करा और बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद में आपको जो अच्छी डिजाइन लगती हो आप आ जाएगी नीचे, आप देख लीजिए आपको कौन सा आईबीएम अच्छा लगता है। आप आपके ऊपर है, आप इसको एच वाला ले सकते हैं, एच वाला अच्छा नहीं है, आई वाला ले सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, जो भी आपको अच्छी डिजाइन लगती है, अच्छी स्टाइल लगती है, आप उसको ले सकते हैं और उसको अपने स्टाइल से उसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, कोई भी एक लेते हैं हम, थोड़ा सा डिजाइन वाला, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये देखिए दोस्तों, हमने ये आईबीएम ले लिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद में क्या करना है, लाइन या रेक्टेंगल जो भी आपको अच्छा लगता है। मेरे को रेक्टेंगल अच्छा लगा, मैंने रेक्टेंगल फटाफट ले लिया और इसको क्या करा मैंने, लेफ्ट राइट करके कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैं वाइट कलर दूंगा और इसको कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी करने के बाद में आपने यहां पर लेकर आ गए, इसके जस्ट नीचे दे दिया और फिर कंट्रोल डी करते जाइए। तो इतने आसान तरीके से, ये थोड़ा सा गलत चला गया हमारा, हम इसको कलर दे देते हैं और इसको भी हम कलर दे देते हैं। पहले इसको हटाते हैं, इसको हम एक बार कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करा, इसको उठा के इसके प्रॉपर तरीके से लेकर आ गए और इसका वाइट कलर कर दिया और कंट्रोल डी करते जाइए, फिर कहीं नहीं जाएगा। ओके तो थोड़ा सा तिरछा हो गया तो उसकी वजह से, और इसको वाइट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से हमारा आईबीएम का लोगो तैयार हो गया। अब इसमें आप इनको कट कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं, इसको लेकर आप इनको जो भी है आप कट कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। किस तरीके से देखिए, एक स्टाइल समझ में आई आपको। हम ये दोस्तों पढ़ चुके हैं, बेल्ट वगैरह, इंसर्ट वगैरह, ये कट हो गया है। एक ये पढ़ चुके हैं, कंट्रोल जेड करा, फिर पूरे को सेलेक्ट करा, फिर इसके बाद में आपको कट हो जाएंगे, ये एक साइड से कट हो चुका है। फिर इसके बाद में हमने मतलब ये सारे टूलों को पढ़ लिया था। ये बाहर वाला कट हो गया है, अंदर वाला कट करना, अंदर वाला हो जाएगा। तो यहां से हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा आईबीएम का लोगो तैयार हो गया। अब इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल ई करा, एक्सपोर्ट, फिर इसके यहां पर आईबीएम प्रेस कर देंगे और यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे दोस्तों, और ओके कर दिया, देन ओके कर दिया। मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं आईबीएम लोगो, ये आ चुका है हमारा आईबीएम का लोगो। और दोस्तों ये जो ब्लैक व्हाइट आपको दिख रहा है, इसको भी हटाना हम सीखेंगे जो कि फोटोशॉप में। तो इस तरीके से आईबीएम का आप कोई और लोगो तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आईबीएम का हो। कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पर आप एक और बार कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड करा हमने। अब इसको आईबीएम की जगह आप एएमसीई कर दीजिए, या कैपिटल में एएमसीई कर दीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, ये एएमसी कट जाएगा आपका। इसको आप छोटे करना है छोटे कर दीजिए, लाइनों को बड़ी करना है आप लाइनों को बड़ी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जो आपको नाम लेना है आप उस नाम को स्टाइलिश आप बना सकते हैं बहुत आसानी से और स्टाइलिश से। ये देखिए यहाँ पर इसको छोटा कर दीजिए, और पहले तो यहाँ से हमको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से कोई और लैंग्वेज ले लीजिए, बोल्ड है ही हमारा, बड़े कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा AMCE तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप, जरूरी नहीं है कि IBM हो, कोई भी लोगों को आप आसानी से लेके इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें अब ये टूल्स हम काफी पढ़ चुके हैं। अब ये डिजाइन स्टाइल क्यों चल रही है, क्योंकि बेसिक पढ़ने के लिए आप इसको कोई सा भी कलर कर सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगता है आप वो कलर दे दीजिए, और वो कलर के बाद में वो कट आपके कट लग ही चुके हैं और वो कट आपको सही दिखाई देंगे। तो ऐसे कई सारी डिजाइनें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं दोस्तों।
मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।